आज चुनाव आयोग से असम चुनाव को लेकर हम सब लोगों का डेलीगेशन मिला था, जिसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस अगर एडवर्टीजमेंट को आप देखो तो उसमें उन्होंने इस तरह की भविष्यवाणी और प्रिडिक्शन किया सारे अखबारों में पेज वन पे कि अपर असम असम की सारी सीटें जीत रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बड़ा क्लियर कट जो है सर्कुलर है और जो जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका खुला उल्लंघन है, इस तरह का कोई भी ये नहीं कर सकता है। और इसमें जो उन्होंने दिया है, अगर आप देखें, इवन अगर ज्योतिषी भी टैरो रीडर भी चुनाव के वक्त अगर कोई भविष्यवाणी करते हैं चुनाव के रिजल्ट को लेके, तो इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। यहाँ तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में भी सत्ता में है, जो असम में भी सत्ता में है, वो इस तरह का काम कर रही जो खुला उल्लंघन है, खुला वायलेशन है चुनाव की जो है, जो चुनाव आयोग के नियम उनके खिलाफ, उसको लेके हमने ये डेलीगेशन लेके आज यहाँ पे मिले। हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्होंने रिपोर्ट मंगाई है, रिपोर्ट में लगाने के बाद वो इस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो हमने ये उनको मांग रखी है कि तत्काल प्रभाव से जो मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यहाँ राष्ट्रीय भी और प्रदेश के भी, इनके खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए और मीडिया को भी इस मामले में वार्निंग इशू की जानी चाहिए। तो इस तरह के किसी भी विज्ञापन को या एडवर्टीजमेंट को ना अपने यहाँ छापे ना टेलीविजन पर दिखाए, इस तरह हमने चुनाव आयोग से जो है आग्रह किया है। एक दूसरा पिटीशन जो वहाँ के मिनिस्टर्स जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को धमका रहे हैं कि हम NIA का इस्तेमाल करके तुम्हें जेल में भिजवा देंगे, और ये हिमंत बसु शर्मा आप एक्सप्लेन कर ना, तो उन्होंने जो है ये वहाँ पे खुलेआम जो लोगों को धमकी दे रहे हैं, तो हम लोगों ने एक पिटीशन दे के उनके उनकी भी जो है कार्रवाई उन पर भी करने की मांग की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले इसी तरह की कार्रवाई दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों के खिलाफ की थी पिछले चुनाव में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो तमिलनाडु के नेता हों, या और ऐसे लोगों को सेंसर किया था चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सारी मांगे हमने यहाँ पे रखी है। आप बोल दो, टुडे ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी द इलेक्शन कमीशन हर्ड us on two important issues. One was with regard to the telecast and printing of certain advertisements just after the first phase of the Upper Assam elections, and in those advertisements the BJP in desperation has thought to portray that they are winning all the seats in Upper Assam. This is totally illegal and contrary to section 126 of the Representation of People's Act, as also the Election Commission's own circular which prohibits dissemination of any prediction even by third parties, astrologers, tarot readers and by political analysts. So here is a case where a political party is seeking to disseminate the result, predict the result, which is in total violation. The Election Commission has assured us that they have called for a report from its observers on the ground in Assam, and they will take a report positively as far as this matter is concerned by tomorrow. The second issue which was brought to the notice of the Honorable Commission was that the Minister, Mr. Hemant Biswa Sarma, has been openly intimidating and threatening the alliance partner of the Indian National Congress of the that is the Bodoland Front by saying that it will get its leaders arrested through NIA. This is openly seeking the help of Central Investigative Election Investigative Agencies in the ongoing Assam Assembly elections, which is again totally prohibited, and it is a offence under the IPC and also under the Representation of People's Act. The Honorable Commission has assured us that it will call for a report from the concerned minister as also from the observers of the Election Commission and take action in this regard. Thank you.